नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान में। दोस्तों आज बात करते हैं गलसुआ की, मम्स। दोस्तों आप ही में से कई व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि गलसुआ के बारे में बताइए, मम्स क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों मम्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई बच्चों के गाल यहाँ पर सूजे रहते हैं, उनके चेहरे पर सूजन रहती है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, खा पी नहीं सकते और उनको दर्द भी होता है, सो नहीं पाते हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में। हमारे चेहरे में पाई जाती हैं दोस्तों तीन ग्लैंड्स, जिनमें दोस्तों पहली है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड दोस्तों जीभ के पास होती है। सेकंड होती है दोस्तों सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि हमारे जबड़े के पास होती है, जो कि मैंडिबल के आसपास होती है। और थर्ड होती है दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड दोस्तों, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सलाइवा निकालती है या सलाइवा का सीक्रेशन करती है, या जो हमारे चेहरे के हमारे मुंह के अंदर जो लार बन रही है वो एक पैरोटिड ग्लैंड ही बनाती है। और लार कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप जानते हैं, भोजन को पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छी चीज़ है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण दोस्तों जिनके कारण ये इनमें सूजन आ जाती है। और सबसे मेन कारण यही है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन। जब भी कोई वायरस का अटैक अगर सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर पड़ता है या उसके ऊपर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आ जाती है और ये सूज जाती हैं, और सूजने के बाद फूल जाती हैं, और फूल जाती हैं तो चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है दोस्तों, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिम्टम्स क्या दोस्तों? सिम्टम्स भी जान लेते हैं दोस्तों। बुखार आता है दोस्तों इसमें, और ये यहाँ पे पूरा सूज जाता है दोस्तों, गले के अंदर जो थ्रॉट होती है पूरी सूज जाती है, और साथ ही इसमें पड़ जाते हैं कुछ छाले भी। और सर दर्द होता है मरीज का, और हो सकता है उल्टी दस्त भी हो जाए। सो अब ये फैलता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये फैलता बहुत जल्दी है दोस्तों। जिस बच्चे को ये चीज़ होती है दोस्तों, उसको स्कूल जाने की परमिशन नहीं रहती, क्योंकि और दूसरे बच्चों को हो सकता है। सो जिस बच्चे को हो रहा है दोस्तों, या जिस व्यक्ति को भी हो रहा है दोस्तों, उससे आप दूर रहें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन दोस्तों ये बहुत जल्दी हो जाता है। उसके कपड़े से, उसके नैपकिन, टॉवल, रूमाल, हर चीज़ से फैल सकता है। छींकने से, जुकाम से ये बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि ये हवा में स्प्रेड होता है। और साथ ही दोस्तों, जिन वुमेंस का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, प्रेग्नेंट वुमेंस का, तो उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वुमेंस बिल्कुल भी करीब ना जाए दोस्तों, जिस व्यक्ति को मम्स हुए। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ऐसी अवधारणा लोगों की, जिस व्यक्ति को एक बार गलसुआ हो जाता है उसको दूसरी बार नहीं होता है। हो सकता है दोस्तों, ये मेडिकल साइंस में प्रूवन हो चुका है दोस्तों, कि इससे एक बार होने के बाद उस वायरस के प्रति हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतने ज़्यादा इम्यून पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो नेक्स्ट टाइम हो नहीं पाता है। सो इनडायरेक्टली कहा जाए दोस्तों, या डायरेक्टली, सो डायरेक्टली कहा जाए दोस्तों कि हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए इम्यून हो जाती है। सो अच्छी बात है। अब करना क्या दोस्तों, बात करते हैं ट्रीटमेंट या परहेज की। दोस्तों इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप सोचें कि गलसुआ के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बना है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों, और ज़्यादा मतलब हैवी वायरस तो है नहीं है। तो सो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही एक हफ्ते के अंदर सही हो जाता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ने की कोशिश करती है और सही हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो आप चाहें तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। सो क्या करना है दोस्तों? फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड आते हैं दोस्तों, और इन्फेक्शन मुँह में ही हो रहा है तो बढ़ जाएगा। और साथ ही दोस्तों उबला हुआ पानी पिए, साफ पानी पिए, चेहरे को मास्क रखें, बिल्कुल साफ करके रखें दोस्तों। और दोस्तों तीखी चीज़ें ना खाएं, मिर्च मसाले से दूर रहें, और जो एसिडिक चीज़ें होती हैं जैसे कि कोला या कोल्ड ड्रिंक आदि, इनसे भी दूर रहें, क्योंकि ये भी एसिडिटी के कारण और ज़्यादा बढ़ जाएगी समस्या। सो यही है दोस्तों, गलसुआ क्यों होता है, कैसे होता है। सिर्फ यही दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, सिर्फ वही वायरस के कारण। वो वायरस का इन्फेक्शन जो है एंटीवायरल ड्रग से ही सही होगा, ना कि बायोटिक से। तो आप कई लोग बहुत होशियार बन जाते हैं और एंटीबायोटिक ड्रग्स ले लेते हैं, उससे कुछ नहीं होना दोस्तों, ये वायरल इन्फेक्शन। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक ये बात पहुँचे। और इसी से हम दोस्तों करता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय।